धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं अपने सीधे विषय पे आती हूँ। माननीय मंत्री जी ने झारखंड के विषय को लाया है, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन चूंकि मंत्री जी भी झारखंड से हैं और झारखंड का विषय लाए हैं वो आदिवासी में उनको आरक्षण देने के लिए, और कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप लगा हुआ छत्तीसगढ़ के राज्य को भी लाते, लगे हुए और अन्य राज्यों का लाते तो सबका साथ सबका विकास सार्थक होता। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ राज्य बने इतना वर्ष हो गया, 12 ऐसी जातियां हैं जो पहले आदिवासी थी, लेकिन राज्य बनने के बाद केवल मात्रा की त्रुटि रही, जैसे कि धनुहार है तो धनुहार हो गया, बोलचाल की भाषा में उसको ह के जगह वा कर दिया गया, पटवारी के द्वारा त्रुटि हुई तो वो अनुसूचित जाति से बाहर हो गए और जनरल में आ गए हैं। ऐसे 50 से 60 लाख लोग छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं जो मूल निवासी आदिवासी हैं और आज इस मात्रा की त्रुटि के कारण अपने आरक्षण से बाहर हो गए हैं। मैं स्वयं 3 बार राष्ट्रपति जी से मिल चुकी हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, बार बार हमारी सरकार आवेदन देती है। मुझे 1 मिनट का और समय लेना चाहूंगी। और ये जब आदिवासी से बाहर हो गए तो इनको कोई लाभ तो मिल नहीं रहा है, ये अलग बात है। दूसरा बात ये हो रहा है, 15 साल से इनकी सरकार थी, वहाँ आदिवासियों को बेवकूफ बना के उनकी जमीन को, ये आप जनरल है करके, ये तो जान रहे हैं जनरल में आ गए हैं करके उनकी जमीन को खरीद लिए। आज की तारीख में 3,000 से अधिक एकड़ आदिवासियों की जमीन जनरल लोग और अन्य बिचौलिए लोग खरीद लिए हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। एक विधानसभा है पाली तानाखार, वहाँ 22,000 लोग निवासरत हैं धनवार जाति के। अब सोच लीजिए, पूरे अधिकारों से उनको वंचित कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है, आप सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो सभी राज्यों के आदिवासियों को अपने आदिवासी मूल निवासी हैं उनको संरक्षण दीजिए, उनको अधिकार दीजिए। धन्यवाद। माननीय श्री समीर उरांव।